इटावा देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन ग्राम भरतपुर कला ग्राम पंचायत बदकन साहबपुर ऊसराहार गांव के लोग आज भी सुख सुविधाओं से कोसों दूर नज़र आ रहे हैं और नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। लोग चांद पर ज़मीन खरीद रहे हैं और गांव के ग्राम प्रधान मुकेश साग के ने तो कुछ अलग हटके ही ठाना है, ना काम किया है और ना ही काम करेंगे। अगर देश में ऐसे ग्राम प्रधान मौजूद रहेंगे तो गांव की तरक्की कैसे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास के नाम पर इस गांव को अनदेखा क्यों किया गया है। ग्राम प्रधान पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हैंडपम्प कई महीनों से खराब हैं और हम बड़ी दूर से पानी भरकर लाते हैं, उससे हम अपने परिवार का गुजारा करते हैं। कई लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान मुकेश कुमार साख द्वारा गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। बीडीसी सदस्य धर्मेंद्र सबता गांव में नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य करा रहे हैं, जिसमें भी ग्राम प्रधान व गांव के कुछ दबंग लोग अवरोध पैदा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीम पहुंची तो हमें ग्राम में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो अपनी झोपड़पट्टी में अपने बच्चों के साथ रहने को मजबूर हैं, और उन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार फार्म भरा और ग्राम प्रधान से भी कहा, लेकिन न तो ग्राम प्रधान ने सुनी। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिन लोगों को असली रूप से मिलना चाहिए, वे लोग आज भी झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को पतीला लगा रहे ग्राम प्रधान। इटावा से विशाल रावत की स्पेशल रिपोर्ट। मुन्नी देवी, क्या समस्या है? जय समस्या है, लला पानी नहीं है, नल खराब डरे और समरा खराब है, नल पानी ले आ दे दिन तक। जय समस्या है लला। तो प्रधान से शिकायत नहीं की आपने? सही करवा, प्रधान से खूब शिकायत करी करी, कहीं नहीं प्रधान सुनते ही नहीं, काम का घर तक लगाए नहीं। अभी तक प्रधान ने क्या क्या यहाँ पे काम किया है गाँव में? कछु नहीं काम कर, कोई काम नहीं किया। तो आप लोगों ने वोट दे के जिताया उसे, हाँ, तो आप उससे कह दी जी नल सही कराओ यहाँ का? अरे का तो खूब लला दे, सुनते ही नहीं। क्या नाम है प्रधान का? मुकेश। आपका ये गाँव कौन सा है? भरतपुर कला। क्या परेशानी है आपकी? पानी की परेशानी, नल में पानी नहीं निकलता है। कहाँ से अभी भरने जाती है? अभी हम दूसरे घर से भरने जाते, लाइट आती तो भरते नहीं, और नहीं लाइट आती तो बाहर से ले आते पानी। प्रधान से कोई शिकायत नहीं की? प्रधान से शिकायत की, उनने सुनी नहीं। क्या कह देते हैं? वे कहते खुद को चंदा करके समराव पानी भरो चाहो तो। पाँच सात आठ महीना कोई आपने शिकायत नहीं की प्रधान से? कही तो खूब है, सुनते ही नहीं तो क्या कहें? प्रधान सुनते नहीं है? अब नहीं सुनते। क्या नाम है प्रधान का? मुकेश। कहाँ रहते हैं? सायपुर। ये गांव कौन सा है? भरतपुर कला। अब मैं समस्या मेरे सामने जो पानी का पल्ले पर बहुत परेशान है, जिंदल जो खराब पड़ो 6 महीना से, तो वो काय सुनी करी, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह देते प्रधान? कहें कहा कि हाँ समरिए समरिए, समझ तो है नहीं। लगभग 2 साल हो गए कार्यकाल को, अभी तक प्रधान ने क्या क्या कार्य करवाया आपके गाँव में? कुछ कार्य नहीं करवाया है, जीरो है यहाँ गाँव में, कुछ ही नहीं करवाया। क्या नाम है प्रधान का? मुकेश कुमार। कहाँ रहते हैं मैं आपका? शिव कुमारी। कहाँ, कौन सा गांव है ये? भरतपुर कला। क्या समस्या है आपकी? कॉलोनी देते ही नहीं साहब, है समस्या है। प्रधान से कहते हैं हमें 50,000 रुपया मांगते हैं। कॉलोनी के लिए फार्म भरा आपने? भरा सो काट दे, कटाए दे, कॉलोनी निर्वार आ चुकी, कटाए दे। क्या कहते हैं कि यहाँ देंगे देंगे, फिर कटाए देता प्रधान। देते क्यों नहीं है? मालूम नहीं क्यों नहीं देते, रुपये मांगते, रुपये मांगते। क्या नाम है प्रधान का? मुकेश। कहाँ रहते हैं? सायपुर। बचकन सायपुर। बरसात में कैसे गुजारा करते हैं? बरसात में पन्नी तान के रहते हैं सब, बच्चा बाल बच्चा सब भीग जाते। पति क्या करते? कॉलोनी नहीं मिली हमें, मिली थी कौन जमाने में, मैंने के जमाने में 125,000 की, 20,000 मिली, तो 20,000 में का बन जाते। तो प्रधान से आपने कॉलोनी के लिए कहा नहीं? कही तो थी। क्या कहते हमने? हम तो मैं नहीं मिले, बंगन को मिले, तो बंगन को तो दे, बंगन के फूटे डरे कह लला मकान बंगवन को दे, हम जब नहीं कहा था हमें दे दे तुम, तो क्या हम कहते घाते दे दें? कॉलोनी तो सरकार दे रही है ना? हाँ, जब कह दे हम कहा घाते दे दें। फार्म वारम कुछ नहीं भरवाया? फार्म तो भरो तो, अब जाने ना चढ़वाओ है प्रधान ने, ना चढ़वाओ लड़का ना को। कितने दिन पहले भरा था? जय प्रधानी भाई तक बाद में भरे।